आंगड़ो, तोरा एक भी आदमी हिला ना तो ये सारी की सारी गोलियां हम तोरा माथा में दाग देंगे। हाँ हुजूर, अर्ज किया है। अपने अपने हथियार जमीन पर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, वरना भून दिया जाओगे। पकड़ लो सबको। बोला पांडे, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, ये सब हमारे आदमी हैं। सर जी, आपका आना तो कमाल हो गया, हमारा तो बुरा हाल हो गया था। सोने को ले जाकर किसी भी तरह मेरे गोडाउन में पहुंचे। वेल डन इंस्पेक्टर देव। पान साहब, पिस्तौल मेरी कंठपट्टी पे रख दो, जल्दी जल्दी। क्यों खाकान, आज तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि ये दुनिया गोल है, और खासकर जुर्म की दुनिया तो बहुत ही ज्यादा गोल है। मुजरिम भागता है, सारी दुनिया का चक्कर भी लगाता है, लेकिन आखिर में आकर कानून के गड़े में गिर जाता है, जैसे आज तुम गिरे हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर खान, ये पिस्तौल मैंने अपनी कनपट्टी पे अपनी मर्जी से रखवाया है, और जब चाहूं इसे हटवा सकता हूं। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि ये तुम्हारी और देव की मिली भगत है? तुम्हारे कहने पे इसने ये रिवॉल्वर तुम्हारी कनपट्टी पे रखा है? बेशक। अच्छा, अगर ऐसा है तो इससे कोई रिवॉल्वर यहां से हटाए और मेरे सीने की तरफ पॉइंट करे। इसे कहो ये गोली जो इंस्पेक्टर खान के सीने पे चलाए, कानून की गिरफ्त से बच जाओगे, फांसी से बच जाओगे तुम। बोलो उससे। इंस्पेक्टर देव, अरेस्ट हिम। आई सेड अरेस्ट हिम। यस सर। इंस्पेक्टर खान। अधिकार के बारगाह में जा रहा हूं, उससे दुआ करूंगा कि वो तुम्हें सुधरने का एक मौका दे। मगर आज फिर कह के जाता हूं बेटा, एक ईमानदार ऑफिसर के लिए जो वर्दी होती है उसकी उसकी मां की तरह होती है। आज ये गोली इंस्पेक्टर खान के जिस्म पे नहीं लगी है, तुम्हारी मां के दिल पे लगी है। तुम वर्दी का फर्ज तो नहीं निभा सके, अरे कम से कम मां के खून का फर्ज तो निभा लो। माफ कर देगा वो। कम ऑन, बी अ ब्रेव मैन, प्रॉमिस। वादा करो बेटा। कम ऑन, कम ऑन। Thank you.
Thank you.